श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में फिर एक बार मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज ने अपनी घातक गेंदबाजी के चलते घुटनों पर झुकाकर रख दिया श्रीलंका की टीम को और इतने कम स्कोर पर ऑल आउट करके वह नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, जिसको देखने के बाद मोदी ने भी अपना दिल खोलते हुए ऐसी धन वर्षा कर दी है जिसको देखकर आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं पूरी खबर के बारे में। लेकिन अगर आप भी सिराज और शमी की गेंदबाजी से खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच वर्ल्ड कप का यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीता श्रीलंका की टीम ने और पहले गेंदबाजी चुनी। रोहित शर्मा 4 रन बनाकर दूसरी ही गेंद पर आउट हो गए, लेकिन बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली और शुभमन गिल ने बड़े ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करी। शुरुआत में थोड़ा सा समय जरूर लिया, लेकिन उसके बाद दोनों ने एक से बढ़कर एक शॉट लगाए। यही कारण रहा कि दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 189 रनों की साझेदारी करी। दोनों की बल्लेबाजी का यह आलम था कि दोनों ऐसा लग रहा था कि शतक लगाएंगे, लेकिन शुभमन गिल 92 गेंद में 92 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं विराट कोहली भी 94 गेंद में 88 रन बनाकर आउट हुए। दोनों के आउट होने के बाद पूरे मैदान में सन्नाटा पसर गया था। सभी को लग रहा था कि दोनों आज शतक लगाएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं होगा। भारतीय टीम 356 रन बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन जब गेंदबाजी पर आए शुरुआत में पहली सफलता बुमराह ने दिलाई और उसके बाद सिराज ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर अपने जलवे विकेट दिए। फिर आज ने इसके बाद 1 विकेट और ले लिया। बता दे कि दबाव इतना ज्यादा था कि 8 ओवर में 12 रन के स्कोर पर 4 विकेट हो चुके थे और उसके बाद जब शमी गेंदबाजी पर आए तो एक के बाद विकेट लेकर उन्होंने सिर्फ 25 रन के स्कोर पर 8वीं सफलता दिला दी थी। 4 विकेट 1 रन देकर शमी अपने खाते में कर चुके थे और उसके बाद आसानी से भारतीय टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। वहीं देश के प्रधानमंत्री मोदी ने अपना दिल खोल उन्होंने टीम इंडिया की जीत के लिए उन्हें बधाई तो दी ही, साथ ही सिराज और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी की उन्होंने जमकर तारीफ करी। उन्होंने कहा कि दोनों की गेंदबाज इतनी अव्वल दर्जे की रही कि इस बार मुझे लगता है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार है। सिराज और शमी ने इतिहास रच दिया श्रीलंका की टीम को इतने छोटे से स्कोर पर ऑल आउट करके। शमी ने अपनी गेंदबाजी से इस वर्ल्ड कप में सभी को प्रभावित किया है। मैं खुशी से दोनों ही खिलाड़ियों को अपने तरफ से 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हूं। मैं चाहता हूं भारतीय टीम जब वर्ल्ड कप जीतेगी तो खिलाड़ियों को इससे भी ज्यादा नायाब तोहफे से नवाजूंगा। इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी ने धन वर्षा कर दी है। लेकिन आप सभी दोनों की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।